अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आलू और गेहूँ के आटे से बना बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है, उसमें अजवाइन मैंने क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूंगी, हल्का सा नमक डालूंगी, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम हल्का सा एक पिंच डालना है, और उसमें मैं ऑयल डाल दूंगी और इसको इसका मोयन कर लूंगी अच्छे से, ताकि ये मुलायम बने, एकदम अंदर से मुलायम और क्रिस्पी भी बने। तो इसको मैं अच्छे से मोयन कर लेती हूँ। देखिए ये एक मुट्ठी बन जाए उतना अच्छे से इसको मोयन करना है, और ये मोयन बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा ही थोड़ा डालना है, ताकि ये पता चले, मतलब बहुत गीला आटा नहीं करना है, इसका डो बहुत ही मतलब कड़क वो करना है। तो कड़क डो मैंने तैयार कर लिया है, इसको ढक के मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए कि सेट हो जाए ये। और आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और इनको छिल के मैंने मैश कर लिया है मैशर से, और इनको मैश करके ना जो भी मसाले डालने हैं वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से मैश करना है, ताकि ये मतलब इसमें गुठली ना रहे, उतना मैश करना है इसको। और इसमें धनिया, कटा हुआ धनिया डाल दिया है मैंने, और हरी मिर्च कट करके डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, और नमक मैंने आटे में भी डाला था, तो मतलब देख के ही डालना है कि ज़्यादा नमक ना हो। और मिर्ची पाउडर डाल दिया है, लहसुन मैंने कूट के रखा था वो डाल दिया है, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है कलर के लिए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये इतना मतलब जैसे समोसा बनता है ना, उस तरीके का ये स्नैक्स है, बहुत ही अच्छा बना था। मेहमान भी आए ना तो फटाफट से बन जाए। तो ये आटा मेरा सेट हो गया है, आलू का स्टफिंग बन गया है। अब इसकी मैं पतली पतली सी बड़ी बड़ी सी पूड़ी जैसा बेल लूँगी, और इस बेल के ना मतलब पतला ही बेलना है, और इस पे इसको अच्छे से बेल लेना है, बड़ा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, ताकि ये पतला बन जाए। उस हिसाब से मैंने इसको बेल लिया है, और इस पे जो मैंने आलू का वो बनाया था ना, वो मैं इस पे पूरे अच्छे से वो कर लूँगी, मतलब फैला दूँगी आलूओं को, और बीच से इसको कट करना है ट्रायंगल में, इसको कट करके ना फिर वापस से बीच बीच से कट करना है पतला पतला, एकदम बराबर से कट करना है इसको, फिर वापस मैं बीच से कट करूँगी इसको। ये बहुत ही अच्छा बना था, एक बार आप लोग ट्राई करना, बना के देखना, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और मेहमान अगर आ जाते हैं ना, तो ये झटपट सी से स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है, चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता, बहुत टेस्टी लगता है ये। एक बार आप लोग बनाना फिर पता चलेगा, और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ईजी है बिल्कुल, बनाने में भी ईजी है और खाने में तो उतना ही चटपटा लगता है ये। तो एक बार ज़रूर बनाना आप लोग, इसको ट्राई करना, और इसको मैं अच्छे से मतलब वैसे ही सेम प्रोसेस करना है सबको, एक वो करके लपेटते जाना है, और एक साथ बना के रख लेना है, फिर ऑयल को गरम करके और इसमें डाल के तल देना है इसको। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। एक एक करके मैं इसको लपेटती जाऊंगी। कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है, और इसमें एक एक करके मैं डालती जाऊँगी, और धीमी आंच पे ही इसको तलना है। और ये आलू जो बाहर आ गया था ना, तो वो आलू मतलब तेल में जाने के बाद ना थोड़ा सा ये मतलब वो हो जाता है, आलू बाहर आ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अंदर आलू है उसका तो टेस्ट आना ही है, पर ये बना बहुत ही अच्छा था। तो एक बार आप लोग इसको अपने घर पर बनाना, बना के देखना, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो को फुल वॉच करना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहे आप लोग को देखने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा प्लीज़ आप लोग। थैंक यू।